अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, खैरियत है। तो आज हम रिपेयर करने वाले हैं चाइना मोबाइल की LCD। बाज़ू का ऐसे होता है मोबाइल गिर जाता है और इसकी स्ट्रिप कट जाती है, तो हम उस स्ट्रिप को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, उस मोबाइल की LCD को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये LCD इस वक्त वाइड डिस्प्ले दे रही है, तो हम इसको रिपेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, एक आप लोगों ने ये वाला ब्लेड लेना होता है, इस ब्लेड से जो उन पॉइंट को स्क्रैच करना है, और आप लोगों ने ये वाली जंपर वायर लेनी है, और ये वाली नहीं लेनी, सॉरी, आप मैंने ये एक रिंगर के अंदर से एक कॉइल निकाली हुई है। इस कॉइल के थ्रू जो है हमने LCD को हमने रिपेयर करना है, और इससे आप आसानी से, इसकी वायर ज़रा ब्रीक होती है बनिस्बत इसके, आप देख सकते हैं, ये देखें कि इस ये ज़रा बारीक है और ये ज़रा मोटी वायर है, तो इस वजह से जंपर जो हम इससे करेंगे और इससे जो है हमारा मोबाइल आसानी से रिपेयर हो जाएगा। तो सा कैमरे को जूम करता हूँ और आप लोगों को ज़रा क्लियर करके दिखाता हूँ कि हमने जो LCD रिपेयर की है वो कैसे की है। अभी ज़रा गौर करें कि ये वाले सारे पॉइंट्स ओके हैं, और ये आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा, मैं ज़रा कैमरे को ज़रा फोकस करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देख लें, ये वाला जो पॉइंट है, इससे LCD जो है वो कट चुकी थी दरमियान से, इस तरह कट चुकी थी, और हमने इसको स्क्रैच करके जंपर जहाँ पे हमने जंपर करना है ये, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी काफ़ी जो है बारीक है, और जंपर भी काफ़ी हमने मुश्किल से लगाया है, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है हल्की सी गम लगा देनी है, ताकि वो जो जंपर है दोबारा से टूटे ना, या डिसकनेक्ट ना हो, या उससे जो है अलग ना हो जाए। तो ये इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसको थोड़ी देर के लिए खुश करने के लिए रख देंगे, और उसके बाद मोबाइल को फिक्स करेंगे। कर दिया है, अब हम आपको LCD ऑन करके चेक करवाएंगे कि उसका डिस्प्ले जो है वो वर्क कर रहा है। ये देख, जो कि ये LCD पहले वाइड डिस्प्ले दे रही थी, अब प्रॉपर काम कर रही है। LCD चेंज करने से पहले LCD की स्ट्रिप